राजेंद्र क्लॉथ, लग्न बसण्यासाठीचे भव्य दालन, ब्रँडेड जेंट्स लेडीज आणि चिल्ड्रन्स वेअर साठी अद्यावत शोरूम, राजेंद्र फॅशन, राजेंद्र क्लॉथ स्टोअर, मेन रोड, संगमनेर। संगमनेर तालुका दूध उत्पादन प्रक्रिया संघाची दर्जेदार उत्पादन राजहंस दूध, राजहंस सुगंधी दूध, दही, ताक, दूध, लस्सी, चीज, खवा आणि पेढ्यासोबत राजहंस श्रीखंड, आम्रखंड, गुलाबजामुन, रसगुल्ला, सोनपापडी, अंजीर मलई आणि मँगो बर्फी, मँगो ड्रिंक, राजहंस ऍक्वा, राजहंस शुद्ध सात्विक पौष्टिक कवितानंद। अहमदनगर मध्ये सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधामध्ये मुस्लिम संघटनेने मोर्चा काढत आंदोलन केलं। तर या आंदोलनामध्ये जिल्हाभरातून मोठ्या संख्येने नागरिक सहभागी झाले। यावेळी केंद्र सरकारच्या विरोधामध्ये घोषणाबाजी करण्यात आली, तर बॅनर दाखवून सरकारचा निषेधही करण्यात आला। हा कायदा रद्द करावा अशी मागणी देखील यावेळी करण्यात आली। तर पुढील काळामध्ये तीव्र आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला। शहरामधील कोठला मैदानापासून हा मोर्चा निघाला होता, तर जिल्हाधिकारी कार्यालय या ठिकाणी या मोर्चाचा समारोप झाला। यावेळी सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठ्या संख्येने पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता। अहमदनगर मुस्लिम समाज की तरफ से आज CAA बिल, नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में एहतजाजी मुजाहरा हुआ, जिसमें 40,000 से ज़्यादा मुसलमानों ने शिरकत की। जुमा के बाद हमारा वक्त तय था, निवेदन कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर दोनों को दिया गया। हम यही चाहते हैं कि देश जिन मुश्किलात से और बहुत सारी कठिनाइयों से गुजर रहा है, 12 लाख किसान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में, बेटियों की इस्मतें लूट रही है और कई ऐसी कौमियतें हैं कि जिन पर अत्याचार और जुल्म हो रहा है, अगर तुम कानून बनाते तो वो कानून बनाते, बेरोजगारों को रोजगार नहीं। आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने कहा था कि काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपये देंगे। प्राइम मिनिस्टर और वजीर दाखला और पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे मुल्क में बदनाम हो गई। झूठ बोलते हैं ये लोग और बबागे दोहल झूठ बोलते, इन्होंने भारत के नाम को पूरे विश्व में बदनाम कर दिया। मुल्क हिंदुस्तान हमारा एक अच्छा मुल्क था, लेकिन इन्होंने जो साजिशें की और पूरे मुल्क में जो आग लगाई गई बाकायदा इस कानून के जरिए से, इस बिल के जरिए से, ऐसे लोगों से शहरियत मांगी जा रही है कि जिन्होंने देश की आज़ादी में अपने खून का बलिदान दिया। 5,82,000 मुसलमान इस देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए, 57,000 उलमा शहीद हुए। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, आप 10 नाम बताइए, हम 57,000 मुस्लिम हीरोज बताते हैं इस देश के लिए, हमारे पास उसकी लिस्ट है, पूरी दुनिया जानती है। आज वही लोग हमसे सवाल कर रहे हैं जो लोग जिन्होंने अंग्रेजों से मिलकर चापलूसी की, आज वो कुर्सी तक पहुंच गए। हम पूरे भारत के जितने भी, सिर्फ मुसलमान नहीं, हम दलित हैं, जैनी हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, जितने मजलूम तबकात हैं उनसे कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि जालिम के खिलाफ सब मजलूम एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए और देश में एक इनकलाब और एक क्रांति फिर से लाई जाए और उसी तरह लड़ाई लड़ी जाए जो गांधी जी ने हमको बताया कि जिसमें कोई हिंसा ना हो, अहिंसा के रास्ते से हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये पहला रास्ता था, आने वाले दिनों में हम जेल भरू तहरीक भी चलाएंगे और जब तक ये बिल वापस नहीं जाता हम अपने घरों में वापस नहीं जाएंगे। की सबसे बड़ी संगठना जमीयत उलमा, ये जमीयत उलमा वो संगठना है कि जिसने भारत की आज़ादी में लड़ाई लड़ी और उन्हीं के 57,000 कारकुन शहीद हुए। उन्होंने कल ही ऐलान किया कि हम हर शहर से, हर गांव से 313 मुसलमानों को चुनकर जेल भरू आंदोलन शुरू करेंगे। ये उनका ऐलान था, आने वाले दिनों में इसके आगे क्या कदम होता है, हुकूमत क्या करती है, रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी का क्या होता है, उसके बाद वैसे फैसले हम करेंगे। दीपक कासवास, शुभम पाचरणे, सी न्यूज मराठी, अहमदनगर। हॉस्पिटल अँड लेप्रोस्कोपी सेंटर, आरोग्याची काळजी आता आमच्यावर सोपवा आणि निश्चिंत व्हा। सर्व नामांकित कंपन्यांचे मेडिक्लेम व कॅशलेस सुविधा उपलब्ध। कुठे हॉस्पिटल अँड लॅप्रोस्कोपी सेंटर,
40 फुटी डीपी रोड, ताजणेमळा, नवीन नगर रोड, संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर. संपर्क 0-24-25-22-66-88-22-66-86. तातडीचा संपर्क 88-88-88-22-25.